Hello everyone, wishes for the day. So today we are going to start the second unit of our subject microwave engineering, passive microwave devices. What will be covered in this slides are the introduction to the microwave junction, what is S matrix and about its properties, and how will we are utilizing the properties of S matrix in further unit sections. So let's go for the first slide of this lecture. So passive microwave devices. First of all, मैं अब थोड़ा सा introduction से शुरू करता हूँ, अपने electronics में चला जाता हूँ. यहाँ waves है, वहाँ voltages और currents हैं. तो वहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, suppose अगर आप एक full adder बना रहे हैं, वहाँ पर XOR gate है, AND gate है, ये सारे gates को connection करते हैं, उनको आप एक wire से दूसरे wire से connect करते हैं कि कौन सा signal कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हम वायर्स के थ्रू करते हैं, या फिर बड़े सर्किट्स की बात करें जहाँ पर हम एक सब सर्किट को दूसरे सब सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ आइसोलेटर्स यूज़ करते हैं सो दैट कि लोडिंग इफेक्ट ना हो, प्रॉपर वोल्टेजेस हमारी ट्रांसफ़र हो जाए, तो कपलिंग प्रॉपरली हम लगाते हैं. तो इस टाइप की चीज़ें हैं. तो यहाँ पर माइक्रोवेव जंक्शन का भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर उन सर्किट्स को हम कहते हैं माइक्रोवेव हाइब्रिड सर्किट्स. तो वो डिवाइस होते हैं जो हमारे जो हमें डिज़ायर्ड चाहिए, मतलब जो हमें ट्रांसमिशन एक्चुअली चाहिए कि कौन सा ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ जाएगा, उस ऐसा काम करने वाले सर्किट्स को हम माइक्रोवेव हाइब्रिड सर्किट्स बोलते हैं. तो माइक्रोवेव जंक्शंस, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट है, जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसको मैंने एरो से बताया है. अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस वाले पोर्ट के बारे में. हमने कहा कि भाई एक माइक्रोवेव पैसिव डिवाइस है, हमारा जंक्शन है कोई, तो उस जंक्शन के अंदर अलग अलग पोर्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग पोर्ट्स जो अलग अलग सिग्नल कैरी कर सकते हैं. तो सपोज देर आर नंबर ऑफ पोर्ट्स विच आर एन. तो सपोज करो कि सिग्नल टू से आता है, वन पे आउट पे जाता है, या टू और वन से आते हैं और थ्री पर चला जाता है, और इसी तरह. तो ये सारी चीज़ें हम इन पैसिव माइक्रोवेव डिवाइसेस, या फिर कह सकते हैं हम माइक्रोवेव हाइब्रिड सर्किट्स के थ्रू करते हैं. ये हमारे क्या करते हैं, जैसे कि डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ट्रांसमिशन की, कौन सी वेव कहाँ से कहाँ जाएगी, उनके फैन इन फैन आउट को डिसाइड करते हैं. फैन इन फैन आउट मैं यहाँ पर केवल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा माइक्रोवेव में यूज़ नहीं होता, क्योंकि मैं बस रिलेट करना चाह रहा हूँ आपके सर्किट से कि इसका आउटपुट किस तरफ जाना है, कितने और सब सर्किट्स को जाना है. सर्किट बनाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम माइक्रोवेव हाइब्रिड सर्किट्स, या फिर कह सकते हैं हम माइक्रोवेव जंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेवगाइड टीज, जो सबसे पहला माइक्रोवेव जंक्शन है, जिसके अंदर हमारा ई प्लेन टी, एच प्लेन टी और हाइब्रिड टी और हाइब्रिड रिंग, जिसको हम मैजिक रिंग और इसको हम मैजिक टी भी बोलते हैं. सेकेंड, जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोज दे कैन बी कॉर्नर्स, दे कैन बी बेंड्स, दे कैन बी ट्विस्ट. उसके बाद डायरेक्शन कपलर्स, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, टू होल डायरेक्शनल कपलर और हाइब्रिड कपलर्स. और कुछ नॉन रेसिप्रोकेटिंग डिवाइसेस फॉर ट्रांसमिशन जो हमारे होते हैं, जिसमें अंदर आपका जो सिग्नल एक बार गया तो वापस नहीं आएगा, रेसिप्रोकेट नहीं होएगा, जिसको हम सर्कुलेटर्स और आइसोलेटर्स बोलते हैं. सर्कुलेटर्स हमारे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे सिग्नल को सर्कुलेट करते हैं, और आइसोलेटर हमारे एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से को आपस में आइसोलेट करते हैं. तो मैं सबसे पहले इनकी कुछ पिक्चर्स आपको दिखा दूं, फिर से हम उसको कंटिन्यू करेंगे. तो ये कुछ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने टी कहा. टी कुछ नहीं, एक टी अल्फाबेट फॉर्म के अंदर एक जंक्शन माइक्रोवेव जो वेवगाइड है हमारा, उसमें सपोज रेक्टेंगुलर वेवगाइड की हम बात करें तो उसी के हिसाब से ये सर्किट्स बने भी हुए हैं. तो आप देख सकते हैं ये हमारा ई प्लेन टी है. हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज ई, व्हाट इज प्लेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टी, टी इज द अल्फाबेटिकल फॉर्म में हमने ये जंक्शन बनाया है, जिसके अंदर कह सकते हैं हम तीन वेवगाइड, मेरे रेक्टेंगुलर वेवगाइड आपस में कनेक्ट हो सकते हैं. इसी तरह से हमारा एच प्लेन टी, इस तरह से हमारा मैजिक टी. मैजिक टी के अंदर ई और एच का दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे. और इसको हम हाइब्रिड रिंग या फिर रेट रेस जंक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर चार हमारे जो अलग अलग वेवगाइड से कनेक्ट हो सकते हैं. और हमारे कपलिंग डायरेक्शनल कपलर्स कुछ इस तरह होते हैं, जिसकी आगे हम स्टडी करेंगे. और हमारा ये सर्कुलेटर का एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है. अगर फिजिकली देखें तो ये चीज़ें आपने अपने लैब में देखी भी हुई हैं. तो ये देख सकते हैं कि आपका ई प्लेन टी और ये हमारा एच प्लेन टी. फाइन, उसके बाद ये देख सकते हैं ये हमारा है
हाइब्रिड टी या मैजिक टी इसको हम बोलते हैं। ये हमारा एक कपलर है, ये हमारा एक बैंड है, देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह से हमारा किस सिग्नल को इस तरह बैंड करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा ट्विस्ट है और ये हमारा फाइनली एक हॉर्न एंटीना के रूप में किस तरह से माइक्रोवेव को हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारा हॉर्न एंटीना है। तो फिर से आ जाते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर जहाँ पर मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन बता रहा था। तो अब बात करते हैं इन सारे डिवाइसेस की, जिस सारे डिवाइसेस का जो बेसिकली आउटकम है, आउटकम इज़ द सर्किट मेकिंग, दैट इज़ द नेटवर्क क्रिएशन, कि हमारा कौन सा सिग्नल कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, कितना जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं, ठीक। और इन सब की प्रॉपर्टीज़, ऑब्वियसली दो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन सब डिवाइसेस की एफिशिएंसी को नापने के लिए, दो इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा और भी होती हैं मगर दो इम्पॉर्टेंट, वो है पहली डायरेक्टिविटी और उसका एटेन्यूएशन। ये दो प्रॉपर्टी हम इनके बिहाव पर इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं कि विच इज़ बेटर विच इज़ नॉट। सो हम बात करें कि नेटवर्क थ्योरी की अगर बात करें, क्योंकि वही मैं अभी आपको सर्किट के बारे में बता रहा था, वहाँ पर हमारा क्या होता है, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में होता है, मगर यहाँ पर हमारा वी ट्रांसमिशन साइड पर क्या रहता है, वोल्टेज करंट, फिर हमने ईएम वेव के फॉर्म में उसको ट्रेवल कराया और फिर हमारे रिसीवर एंड पर फिर से हमारा वोल्टेज और करंट के फॉर्म में आ जाता है। तो इसके अंदर इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है ये कौन सी है और क्यों हम ये अलग करते हैं माइक्रोवेव से, ये हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं अपने अलग दूसरी स्लाइड में, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू पोर्ट थ्योरी, टू पोर्ट नेटवर्क थ्योरी, जो कि वोल्टेज और करंट करेक्टरिस्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए बनाई गई थी, कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर हम उसकी सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जान पाते हैं। और उसके कुछ पैरामीटर्स हमारे हुआ करते थे, जिसको हम जानते हैं कि एच पैरामीटर, वाई जेड एंड ए बी सी डी पैरामीटर्स। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक एग्जांपल अपना लें, तो यहाँ पर हम निकालते थे एच पैरामीटर्स की बात करें तो इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस हमारी बन जाती थी, जिसको हम सॉल्व कर लेते थे। वी वन और आई टू, हमने ये अपनी दोनों चीज़ें निकाल ली। सपोज दिस इज द वी वन, वॉट इज द इनपुट वोल्टेज एंड आई टू इज द आउटपुट करंट। तो इस तरह से हम पैरामीटर्स को रिलेट भी करते थे। फॉर एग्जाम्पल एच वन वन हम कैसे निकालते थे, वी वन अपॉन आई वन वन वी टू इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली एच वन टू हम जो कैलकुलेट करते थे, वी वन अपॉन आई टू वन आई वन इज जीरो, इसको हम शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक बोलते थे, इसको हम ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल नेटवर्क में करते थे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर करते थे, जब वो कॉम्प्लेक्स हो जाता था या फिर हमारे जब एक सर्किट को, एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट से हमें कनेक्ट करना होता था, तो इन पैरामीटर्स के हेल्प से हम उसकी एनालिसिस करते थे, सारी प्रॉपर्टीज़ निकालते थे। मगर यहाँ हमारी फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव रेंज में है, माइक्रोवेव रेंज में है, इस वजह से हम ये नॉर्मल टू पोर्ट नेटवर्क थ्योरी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। और दूसरी चीज़, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट जैसे हम नेटवर्क थ्योरी में करते हैं, उसमें ये यहाँ पर हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द हाई न्यू हाई बिकॉज ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी। और कुछ इसके अंदर एक्टिव डिवाइसेस भी होते हैं जो हमने पढ़े, टनल डायोड कैन बी यूज्ड एज अ माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जनरेटर, तो वो अपने एक्टिव डिवाइसेस हैं, तो उसमें हम स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर सकते। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो ये बताते हैं कि हम नॉर्मल नेटवर्क थ्योरी वाले जो पैरामीटर्स हैं वो हम माइक्रोवेव में यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें कुछ नया लेकर आना होगा, कुछ नई चीज को करेक्टराइज करना होगा कि जिसके अंदर हमारे जो लॉजिकल वेरिएबल है वो माइक्रोवेव होंगे, ना कि हमारे वोल्टेज और करंट होंगे। तो ऐसी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए नए पैरामीटर बने, जिस पैरामीटर्स को कहा गया स्कैटरिंग पैरामीटर्स, और एस पैरामीटर्स से पॉपुलरली इसको जाना जाता है। तो ये हमारा कुछ एक टू पोर्ट नेटवर्क की तरह सर्किट बन गया। मैं यहाँ कह सकता हूँ इन दो पोर्ट पे एक पेयर इनपुट सिग्नल, एक पेयर आउटपुट सिग्नल। तो ए वन बी वन इज द इनपुट सिग्नल्स, ए टू बी टू आर द आउटपुट सिग्नल्स, एंड एस वन वन एस वन टू एस टू वन एस टू टू आर द बेसिक एस पैरामीटर्स। इस हिसाब से हमने ये इक्वेशन बना ली, जिसके अंदर
जो हमारा बी है वो आउटपुट वेव को बताता है, जो हमारा एस है वो हमारा एस मैट्रिक्स को बताता है, और जो हमारा ए है वो हमारी इनपुट वेव को बताता है। इस तरह से हमारी ये एस मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है, और इसके जो एम और एन है ये डिपेंड करते हैं उसमें कितने पोर्ट्स हमारे यूज हो रहे हैं सर्किट के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पर दो पोर्ट यूज हो कर रहे हैं, क्योंकि हम टू पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो टू बाय टू की मेरी ये मैट्रिक्स बनेगी। एम और एन मेरे टू टू होंगे। और इसको और क्लियर करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। दोबारा से मैं बताता हूँ कि ए हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स होता है वो हमारे आउटपुट बताता है सारे अलग अलग पोर्ट्स के, जो बी है वो हमारे इनपुट और इंसिडेंट वेव के पोर्ट्स के पैरामीटर्स को बताता है, और इसके अंदर कुछ नई चीज आती है वो है एस आई जे। एस आई जे बताता है कि अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं आईएथ पोर्ट पे तो, और उसका आउटपुट निकाल रहे हैं जेएथ पोर्ट पे, तो उन दोनों के बीच का स्कैटरिंग कोफिशिएंट्स को ये बताता है। और दूसरी चीज, जैसे कि हमारी माइक्रोवेव के अंदर वेव्स के अंदर स्टैंडिंग वेव्स होती हैं कि वेव्स हमारी रिफ्लेक्ट होके वापस भी आती हैं, उस पैरामीटर को हमने या उस कॉन्स्टेंट को हमने नाम दिया एस आई आई, जिसको हम रिफ्लेक्टेड पावर बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड पावर कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जब हम आई से सिग्नल दिया और आई पे ही वापसी आ गया, इसलिए इसको एस आई आई नाम दिया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो एग्जाम में भी पूछी जाती हैं कि क्या होता है आपकी एस मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो उसको हम जान ले कि एस हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि पोर्ट हमारे टू पोर्ट, फोर पोर्ट या जितने भी, या थ्री पोर्ट भी हम बात करें तो उसकी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही फॉर्म बनेगी। दैट मींस एम और एन हमारे बराबर ही होंगे डिपेंडिंग ऑन द पोर्ट्स। सपोज देर आर नंबर ऑफ पोर्ट्स आर थ्री, देन थ्री बाय थ्री की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। सेकंड, ये हमारी सिमेट्रिक होती है, इसका मतलब एस आई जे और एस जे आई दोनों होंगे हमारे बराबर होंगे। सपोज एस वन टू इज इक्वल्स टू एस टू वन। और तीसरी प्रॉपर्टी जो उसकी यूनिटरी फंक्शन को बताती है कि एस और एस ट्रांसपोज को अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। तो ये तीसरी उसकी प्रॉपर्टीज, और चौथी उसकी प्रॉपर्टी बताती है कि अगर हम सब सारी रोज का सम कर दें, चौथी प्रॉपर्टी बताती है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एनी रो या फिर कोई भी कॉलम अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए आपस में उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो उसका जो आउटपुट होगा वो जीरो होता है, जहां के हमारा नॉट इक्वल टू जे, मतलब के कोई भी रो या कोई कॉलम की वैल्यू हो सकती है। तो हमने इस का यूज करते हुए आगे पूरे यूनिट में जो करना है वो ये कि ये जितने भी हमने अलग अलग जंक्शंस पढ़े हैं, उन सारे जंक्शंस की एनालिसिस करनी है, उनके बारे में जानना है, फिर उनकी एनालिसिस करनी है और एस पैरामीटर्स को डिटरमाइन करना है। उसके बिहाफ पर ही हम बता पाएंगे कि उसकी कैसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें अगले पार्ट में पढ़नी है। सो थैंक यू ऑल, और होप कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे टी जंक्शन के बारे में।